पंचायती राज चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश में शेष रही 1954 पंचायतों में अब 1 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 19 पंचायतों का कार्यकाल अभी खत्म नहीं हो रहा है और इसीलिए उनका चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो 22 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 23 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे। वहीं 24 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 24 जनवरी को ही शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 31 जनवरी को मतदान दल पंचायत पहुंचेंगे और 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके बाद मतगणना 2 फरवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। तो चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। 1 फरवरी को ही मतदान और 2 फरवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। 22 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बचे हुए पंचायतों का चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है। वहीं 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायत चुनाव होगा, तो वहीं 1 फरवरी से ही मतगणना यहां पर की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक 4 चरणों का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। चौथे चरण में 1954 पंचायतों में मतदान होगा। 22 जनवरी को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं 1 फरवरी को 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं चौथे चरण का जो कार्यक्रम है पंचायत चुनाव को लेकर वो भी जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान जहां पर किया जाएगा, वहीं 1 फरवरी को मतगणना होगी और 2 को उपसरपंच का चुनाव होगा। 22 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 23 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से नामांकन यहां पर किया जाएगा। 24 जनवरी को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 9171 पंचायतों के बाद बची हुई 1954 पंचायतें उनके लिए भी आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसमें 22 जनवरी को अधिसूचना का प्रकाशन होगा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, लोक सूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र 23 तारीख को प्रस्तुत किए जाएंगे। संदीक्षा की तिथि 24 तारीख है, नाम वापसी की तारीख भी 24 है। उसी दिन शाम को चुनाव का प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और मतदान